ओके बेटा, वी वर डूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. हमने पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. सो हमारा कुछ टॉपिक रह गया है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं आज. एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट्स क्या होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं. डबल लेयर होता है इसमें मेम्ब्रेन का और ये प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स, तो वो प्लांट्स में पाए जाते हैं. ये स्फेरिकल या डिस्क की शेप के होंगे, या तो ऐसे डिस्क के जैसे होंगे या राउंड होंगे, गोल होंगे. ठीक है, अब इसमें बेसिकली दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. दो रीजन्स कौन से होते हैं? ग्राना एंड स्ट्रोमा. देखो, दीज आर द ग्रानास. ये देखो, इनको ग्रानास कहते हैं. दीज आर द ग्रानास और इनके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, अब ये जो ग्रानास है ना, ये क्या होते हैं? ये स्टॉक्स होते हैं थायलाकॉइड के. मतलब एक थायलाकॉइड के ऊपर दूसरा थायलाकॉइड के ऊपर तीसरा थायलाकॉइड, ऐसे कर एक स्टॉक बना होता है. ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रानास. तो ये है ग्रानास और इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो एक कलरलेस डेंस फ्लूइड होता है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. गॉट इट? तो ये डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये रही बाहर वाली, अंदर वाली मेम्ब्रेन ये रही. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. इसके बीच में थायलाकॉइड्स जो है वो स्टाक अप हुए हुए हैं, दैट इज नोन एज अ ग्राना. एक को बोलते हैं ग्रानम. ठीक है, और इसके बीच में जो कलरलेस डेंस फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं. इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, प्लांट्स में खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. ठीक है, और दूसरा फंक्शन है कि ये ग्रीन कलर देता है लीव्स को, स्टेम्स को और वेजिटेबल्स को. क्लोरोप्लास्ट. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.